नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं रिंकी वाजपेयी, आप देख रहे हैं इसके लाइव न्यूज संविधान और कानून। आइए बात करते हैं कुछ प्रमुख खबरों की। जबलपुर में हनुमान ताल स्थित त्रिभुवन दास मालपानी स्कूल में अंतरशालीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सारिका अंजुम का चयन खेलो इंडिया में किया गया। वह आगामी 20 से 22 तक दिल्ली में होने जा रहे खेल में मध्य प्रदेश की ओर से अपना जौहर दिखाएंगी और मध्य प्रदेश का नाम रोशन करेंगी। मध्य प्रदेश जबलपुर से विरुचि प्रदीप ठाकुर की खास रिपोर्ट। बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे जिले की होनहार खिलाड़ी सारिका अंजुम का चयन खेलो इंडिया में हुआ है, जो कि 20 से 23 अक्टूबर 2022 तक दिल्ली में आयोजित की जा रही है, जिसमें सारिका अंजुम हमारे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी और हम आशा करते हैं कि वह और अच्छा खेल का प्रदर्शन करेंगी और हमारे ज़िले का, हमारे प्रदेश का नाम गौरवान्वित करेंगी और हमें पदक की प्राप्ति होगी। आपका अताउर रहमान, जबलपुर जिला। थैंक यू जी। बड़े हर्ष का विषय है कि आज संभाग स्तरीय शालेय जूडो प्रतियोगिता का आयोजन श्री त्रिभुवनदास मालपाणी विद्यालय नौनीगंज में किया जा रहा है, जिसमें के जबलपुर, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, कटनी आदि के 145 खिलाड़ियों ने, बालक और बालिका ने भाग लिया। ये 14 वर्ष से कम, 17 वर्ष से कम और 19 वर्ष से कम उम्र के बालक बालिका इस प्रतियोगिता में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें से जो भी चयनित होगा, प्रथम स्थान प्राप्त करेगा, वो आगामी दिनों में होने वाली राज्य स्तरीय शालेय जूडो प्रतियोगिता में जबलपुर संभाग का प्रतिनिधित्व करेगा। मैं आबिद हुसैन खान, जबलपुर। धन्यवाद। आज की 19 अक्टूबर की जो जूडो की प्रतियोगिता है संभागीय स्तर की, जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देशन में हमें मेजबानी करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसमें हमारे यहाँ पर छिंदवाड़ा, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर के छात्र आए और उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इसमें जबलपुर के छात्रों में काफ़ी अधिक अच्छा सराहनीय प्रदर्शन रहा है और उनकी संख्या भी जीतने की काफ़ी हद तक रही है। सर, आपका नाम है? अजय कुमार तिवारी, प्रिंसिपल त्रिभुवनदास मालपाणी। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।